आपको बताएंगे कि एमएक्स प्लेयर में एक ऑप्शन आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमएक्स प्लेयर। ये एमएक्स प्लेयर का जो वो ऑप्शन पिप मोड है वो बेसिकली है क्या, इसका क्या यूज़ है ये हम आपको बताएंगे। तो एमएक्स प्लेयर को हम इस तरीके से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे जाते हैं, और प्रोफाइल पे जाते ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है कस्टम पिप कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, कस्टम पिप कंट्रोल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कस्टम पिप कंट्रोल, प्रीवियस, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट और फास्ट फॉरवर्ड। तो देखिए इस पे अगर आपका सेलेक्ट है प्रीवियस, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो वीडियो अब जब आप प्ले करते हैं तो वो वीडियो ख़त्म होते ही फिर से ऑटोमेटिक नेक्स्ट वीडियो पर चला जाता है। और इसके बाद अगर आप ये सेलेक्ट करके रखते हैं फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड, तो अगर तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड होगा, जल्दी जल्दी आपका वीडियो फास्ट चलेगा और रिवाइंड भी होगा। तो आप अपने यूज के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।